नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइटन टीवी। आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी हैं वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। तो सब्जी मंडी ऊना से आपके साथ जुड़े हैं लाइव अपडेट लेकर। क्या कुछ हालात सब्जी मंडी में है, ट्रेडिंग पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है ये खराब मौसम, कितना असर इस खराब मौसम का है, और फिलहाल इन कंडीशंस में तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे, और ट्रेडिंग किस तरह से चल रही है इस खराब मौसम में वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सब्जी मंडी ऊना से। बारिश एक बार फिर से यहां पर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ यहां पर अरुण जी सब्जी मंडी से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ हालात हैं सब्जी मंडी में, जनवरी महीने की बात करें कि तो ये पूरे का पूरा महीना खराब मौसम की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 तारीख आज हो चुकी है और कुल मिलाकर इस महीने के अधिकांश दिन खराब मौसम में बीते। अरुण जी लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। अरुण जी, खराब मौसम चल रहा है और ये लंबा दौर, एक लंबा टाइम स्पैन हो चुका है खराब मौसम का, क्या कुछ हालात हैं? देखो, इस मौसम की वजह से किसानों को भी ज़्यादा मार पड़ रही है और हमें भी, क्योंकि जो भी फल फ्रूट सब्जी जो भी आ रही है वो खराब होकर जा रही है जी। तो अभी अगर हम बात करें तो कोई आमद पर भी असर पड़ा है इसका? हाँ जी, जैसे जैसे बारिश हो रही है उसकी वजह से सब्जी मंडी में जैसे सब्जी कम आ रही है, और वैसे भी सब्जियाँ काफ़ी ख़राब हो रही है खेतों में, तो इसलिए किसानों को भी काफ़ी नुकसान ही है और आढ़तियों को भी नुकसान है जी। अगर बात करें यहाँ पर लागत की, तो इस खराब मौसम का सब्जी की लागत पर कितना असर पड़ा है? देखो जी, लागत बहुत कम है। आज भी सुबह से बहुत कम से कम 10-20% ही ग्राहक है, ग्राहक ही नहीं है मंडी में। अगर बात करें यहाँ पर अरुण जी, जैसे शादियों का सीजन खुल चुका है थोड़ा बहुत, तो शादियों का सीजन खुलने से कोई असर यहाँ पर दिख रहा है? कोई फर्क नहीं है, मार्केट में मंदा है बहुत ज़्यादा, अभी भी मंदा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात रहने की उम्मीद है? देखो, जब तक मौसम नहीं खुलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो अब सब्जी रेट की अपडेट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आलू का हाल जान लेते हैं, क्योंकि ऊना की फसल है और इस बारिश से काफी इस पर असर माना जा रहा है। आलू के क्या रेट चल रहे हैं जी? देखो, आलू तो बिका 10 रुपए किलो। वैसे आलू जो किसानों ने लगाया उसको काफी नुकसान होगा इस बारिश से। अदरक का रेट हमारे साथ राजपूत रवि ठाकुर जी जुड़े हैं, पूछ रहे हैं अदरक का क्या रेट है? अदरक बिक रहा 30 से 35, बड़ी अदरक 30 से 35। क्या इसमें दो किस्में हैं? नहीं नहीं, एक ही किस्म है। एक ही किस्म। लहसुन के क्या हाल है जी? लहसुन बिक रहा बढ़िया 40 रुपये, 35-40, 35 से 40 रुपये किलो। बात करें यहाँ पर टमाटर की, टमाटर बिका बढ़िया 22-23 रुपये किलो। 22 से 23 रुपये किलो टमाटर है। तो यहाँ अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज के रेट क्या कुछ हैं और कहाँ से ये सप्लाई है? प्याज बिक रहा 30 रुपये किलो, बढ़िया प्याज, नासिक वाला। नासिक से प्याज 30 रुपये किलो वाला है। हाँ जी। और अगर बात करें यहाँ पर गोभी की, गोभी के क्या रेट चल रहे हैं जी? गोभी बिक रही है 25-26 रुपये किलो जी। 25-26 रुपये। हाँ। गाजर का क्या रेट है जी? गाजर बिक रही 10 से लेकर 12-13 तक। 10 से 12। और गंडियाली? गंडियाली बिक रही 6-7 रुपये किलो। खीरे का क्या रेट है जी? खीरा बिका बढ़िया आज 30 से 35। हरा मटर जो है वो अब थोड़े दिन का मेहमान माना जा रहा है, तो क्या हालात है हरे मटर के? देखो, हरा मटर जो आज बारिश की वजह से भीगा हुआ है, वैसे मटर बिका 25 से 30। 25 से 30 रुपये। तो आने वाले दिनों में क्या अदरक के, मटर के दाम कम होने की उम्मीद है या क्या होने वाला है? नहीं, मटर के रेट चढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अब सीजन खत्म हो रहा है तो फिर ये बारिश ने नुकसान भी कर दिया ना, मटर कम कर दिया। और ये अपने लोकल सब्जियां जिसमें कद्दू के क्या हाल है जी? कद्दू बिक रहा है, जो लंबे वाला कद्दू आ रहा है हमारे, बिक रहा 10-12 रुपये किलो। ये कहाँ से आ रहा है? लोकल आ रहा है, उमा का जी, लोकल आ रहा है। और घिया क्या हाल है जी? घिया बिक रहा है जी, घिया बिका 35 से 40। 35 से 40 रुपये किलो। हाँ जी। अगर हम बात करें यहाँ पर लौकी की, लौकी बिकी 30 से 35। 30 से 35 रुपये। हाँ जी। चुकंदर के क्या रेट है आज? चुकंदर बिका जी, आज तो बारिश की वजह से कम आया, बिका 25-30 रुपये से यही 15 से 20 बिकता है जी। मौसम लगातार खराब चल रहा है अरुण जी। सरसों का साग क्या हाल है उसके? सरसों का साग बिका जी आज 15 से 20 रुपये किलो जी। थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है जी इसका? हाँ जी, बारिश की वजह से खेतों में कटाई नहीं हो रही है साग की। और पालक के क्या हाल है जी? पालक बिकी आज 20 रुपये किलो, वैसे तो ये रेट है 5 से 10 चलता था, बारिश की वजह से तेज रेट पालक के। साग के साथ एक आइटम बाथू आती है जी, वो उसका क्या हाल है? बाथू बिका 20 से लेकर 30 तक। 20 से 30। सौंफ की गुच्छी? सौंफ बिकी जी 30 से 40। और मेथी? मेथी बिकी जी 25 से 30। मूली के क्या रेट है जी आज? मूली बिकी 10 से लेकर 15 तक आज। और बैंगन के क्या हाल है? बैंगन बिक रहा जी बढ़िया बैंगन 25 से 30 रुपये। नींबू आ रहा जी? हाँ जी, नींबू आ रहा जी। क्या रेट है नींबू? नींबू बिका 30 से 35, बढ़िया 30 से 35 रुपये, बढ़िया नींबू है। अगर बात करें यहाँ पर शलजम की, शलजम के क्या रेट है जी? शलजम बिका 20 रुपये, 18-20। 18 से 20। ब्रोकली के क्या रेट हैं जी?
ब्रोकली बिक रही है 25 रुपए की, 25 रुपए किलो। और ब्रोकली का यहाँ पर हो चुका है, तो इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर लोकल सब्जियों में एक भिंडी शुरू हो चुकी है जी। भिंडी फिलहाल बाहर से आ रही है, क्या रेट है जी इसका? भिंडी बिक रही है 80 से 100 रुपए किलो जी। 80 से 100 रुपए किलो। और बंद गोभी के क्या रेट है जी? बंद गोभी बिकी 18 से 20। अरुण जी ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर लगातार मौसम खराब चल रहा है, यहाँ से ट्रेडिंग कहाँ कहाँ के लिए होती है और कितनी यहाँ पर अभी तक प्रभावित हो चुकी है? देखो इसमें बारिश की वजह से जैसे लोकल ग्राहक कोई भी नहीं आ रहा, जैसे मलवाम दौलतपुर चिंतपुर नहीं और इधर बंगाणा, तो ग्राहक बिल्कुल कम है जी बारिश की वजह से। ये सारे ग्राहक जो है ये दुकानदार माने जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल दुकानदार जी। तो क्या लगता है कि कितने टाइम तक ये जो है वो बना रहेगा, नेक्सस जो ठप पड़ा है कारोबार पूरा? देखो जब तक मौसम पूरी तरह नहीं खुलेगा तब तक ऐसे रहेगा, ये काम बिल्कुल घाटा ही घाटा है। फिलहाल संभावना ये जताई गई है कि आज शायद मौसम जो है वो खराब अंतिम दिन रहेगा, कल से बाद यहाँ आपको धूप देखने को जरूर मिलेगी। फलों की बात जरूर यहाँ पर करेंगे थोड़ी बहुत अरुण जी के साथ। अरुण जी सेब से शुरुआत करते हैं, सेब के क्या हाल है? सेब का बढ़िया 70 से 80 रुपए किलो जी। 70 से 80 रुपए, ये अब शायद स्टोरेज का ही आ रहा जी? स्टोर का भी शुरू हो गया, वैसे दूसरा भी आ रहा जी अभी। अभी दूसरा कहाँ से आ रहा जी? अब कश्मीर वाला आ रहा जी। कश्मीर वाला चल रहा अभी थोड़ा बहुत सीजन का? हाँ जी हाँ जी। बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि अगस्त से शुरू हो जाता है सेब का सीजन और अभी तक कश्मीर का सेब अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। अनार के क्या दाम है जी आज? अनार बिका 70 रुपए किलो जी। अनार 70 रुपए किलो। और केले के क्या रेट है आज? केला बिका 300 रुपए का, 300 रुपए डिब्बा। अमरूद यहाँ पर देख रहा जी, अमरूद के क्या रेट है? 40 रुपए किलो जी। और ये कीवी? कीवी बिकी 450 रुपए की ट्रे। पपीते के क्या हाल है? पपीता बेचा जी 220 रुपए का 10 किलो। 220 रुपए का 10 किलो। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी रेट अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा, जरूर आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल सब्जी मंडी के हालात ये हैं। तो गड्याली जो यहाँ पर अभी सीजन व्रतों का आने वाला है, शिवरात्रि आगे आ रही है, तो इस तरह की जो चीजें हैं आलू या गड्याली इसकी काफी डिमांड रहेगी। फिलहाल गड्याली के क्या रेट चल रहे हैं जी? गड्याली बिके 6 से 7 रुपए किलो। बढ़िया 6 से 7 रुपए किलो। हाँ जी। तो ये कहाँ की पैदावार है जी? ये लोकल है। लोकल है। और शकरकंदी के क्या हाल है जी? शकरकंदी बिके 35 रुपए की आज। 35 रुपए के किलो के आसपास है। हाँ जी। तो ये अभी रेट इसका थोड़ा ज्यादा लग रहा है जी शकरकंदी का? शकरकंदी कम आ रही है पीछे से कुछ। ये कहाँ से सप्लाई है जी? ये उधर से आती है, अहमदाबाद वगैरह जी। अहमदाबाद से? तो लोकल इसकी पैदावार नहीं होती है? नहीं लोकल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। तो ये कुछ हालात है जी सब्जी मंडी ऊना के। हरी मिर्ची के क्या आज रेट है जी? हरी मिर्ची बिकी जी आज 45 से 50 रुपए। 45 से 50 रुपए के किलो के आसपास हरी मिर्ची है। शिमला मिर्च आ रही है जी? हाँ जी। शिमला मिर्च के क्या है? शिमला मिर्च बिकी 45-50 रुपए। और ये एक सब्जी कुंदरू यहाँ पर आती है, यूपी वालों की खास पसंद है, ये क्या सब्जी करी आज आई नहीं, ये नहीं आ रही है जी कुंदरू, अब बंद हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी। हरा धनिया यहाँ पर है जी अभी? धनिया हाँ जी, धनिया बिका 40 रुपए, 40 से 50 रुपए। पुदीने का सीजन ऑफ चल रहा है जी, अगर हम बात करें लोकल किचन गार्डन की, तो सब्जी मंडी में पुदीने के क्या हाल है? पुदीना बिका 80-100 रुपए किलो। 80 से 100 रुपए किलो। हाँ जी। तो इसकी डिमांड क्या किसी फंक्शन को लेकर रहती है या फिर डोमेस्टिक भी लोग लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, फंक्शन वगैरह भी यूज होता है वैसे नहीं। फंक्शन वगैरह भी यूज होता है। हाँ। तो इसकी आमद कहाँ से हो रही है वैसे बेसिकली आजकल? लोकल ही आ रहा है जी, बाहर से भी आता है जी। बाहर से भी आता है। हाँ जी। तो ये कुछ हालात हैं जी सब्जी मंडी के, और फिलहाल लाइव तस्वीरों में आपको दिखाएंगे खराब मौसम के बीच भी यहाँ पर ट्रेडिंग जारी है। और हालत ये है कि लोग अब गाड़ियों में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, गाड़ियों में अपना माल यहाँ पर रखा हुआ है और फिलहाल ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। सर्द मौसम और उसके ऊपर बारिश का तगड़ा प्रहार, और ये बारिश लगातार तीसरा दिन आज यहाँ पर चल रहा है। खैर आज भी यहाँ पर मौसम खराब रहने की संभावना जरूर जताई गई है। अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज धूप के दर्शन जरूर ऊना वालों को होने वाले हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें। रेट्स अपडेट आपके साथ तमाम चीज़ों की हमने साझा की है, स्ट्रीम को भी शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ लाइक एंड शेयर के पेज को भी लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और रखेंगे आपको अप टू डेट हर खबर हर गतिविधि के साथ। सब्जी मंडी ऊना मैदानी इलाके की मंडी है जी, और ये सब्जी मंडी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच की सब्जी मंडी का, सब्जी या फलों की ट्रेडिंग का एक बेहद अहम किरदार निभाती आई है। हालांकि यहां पर बोली सिस्टम नहीं होता है, खराब मौसम के बीच भी यहां पर लगातार ट्रेडिंग जारी है, हालांकि असर काफी बुरा पड़ा है अभी तक अगर हम बात करें कारोबार पर। उम्मीद करेंगे कि जल्द मौसम खुलेगा और जल्द ये तमाम जो मंदी यहां पर छाई है वो जरूर छटती हुई नजर आएगी। लाइफ टाइम टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।